से पतंग खूब उड़ाओ, फ से फल रोज खाओ, ब से बारिश जोर की आई, भ से भालू ठुमक ठुमक, म से मछली जल की रानी। तो बच्चों आज हम व्यंजन म की कहानी सुनेंगे। तो बच्चों चलिए मेरे साथ सुनते हैं म की कहानी। मनोज के मामा मामी, मामा म से मामा, म से मामी, उससे मिलने घर पर आए और साथ में क्या लाए, म से मिठाई। आप सबको भी पसंद है ना, मुझे भी बहुत पसंद है। और मामी को मनोज के घर में क्या दिखा, म से मटर दिखी। मामी ने जल्द ही मटर चखी और कहा, वाह ये तो बड़ी ही म से मीठी है। म से मटर, म से मीठी। मम्मी ने मामा मामी के साथ जंगल घूमने जाने का बनाया। तो जब म से मम्मी, आपको पता है जब मदन चाचा, म से मदन चाचा जंगल की तरफ जा रहे थे तो उन्हें क्या दिखा, नाचता मोर दिखा। म से मोर, वो अपने पंख फैरा के नाच रहा था। म से मोर और म से मदन चाचा। मनोज जब नदी के पास मछली पकड़ने के लिए बैठा था, म से मछली, तो उसी समय एक म से मच्छर ने उसे डंख मार लिया। म से मच्छर, और वो जोर से चिल्लाया, ओई माँ, और मच्छर को भगा दिया। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा मगरमच्छ, म से मगरमच्छ आ गया और सब लोग उसे देखकर भाग गए। तो बच्चों कैसी लगी आप सबको कहानी, आइए एक बार फिर से सारे म से शुरू होने वाले शब्दों का पूर्ण अभ्यास कर लेते हैं। म से मामा, म से मामी, म से मिठाई, म से मटर, म से मम्मी, म से मदन चाचा, म से मोर, म से मनोज, म से मछली, म से मच्छर, मगरमच्छ। तो बच्चों आप भी म से शुरू होने वाले और भी शब्द ढूंढिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों, अभी आपने व्यंजन म की कहानी सुनी। अब हम व्यंजन म को लिखने का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम आज की रेट। आज की रेट है 1/16.7.2121 और यहाँ हम लिखेंगे C.W. क्लास वर्क। चलिए व्यंजन म लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एक छोटी खड़ी रेखा, अब इसमें एक छोटा सा गोला, लेटी हुई रेखा और इसे एक सीधी रेखा से जोड़ दीजिए और उसके ऊपर छत। फिर से देखिए, एक छोटी खड़ी रेखा, छोटा गोला, लेटी हुई रेखा और एक सीधी खड़ी रेखा और इसके ऊपर छत। एक छोटी खड़ी रेखा, छोटा गोला, लेटी हुई रेखा और एक सीधी खड़ी रेखा और इसके ऊपर छत। फिर से देखिए, एक छोटी खड़ी रेखा, छोटा गोला, लेटी हुई रेखा और एक सीधी खड़ी रेखा और इसके ऊपर छत। छोटी खड़ी रेखा, छोटा गोला, लेटी हुई रेखा, इसे सीधी खड़ी रेखा के साथ जोड़ दीजिए और ऊपर छत। एक छोटी खड़ी रेखा, छोटा गोला, लेटी हुई रेखा और सीधी खड़ी रेखा
और इसके ऊपर छत म। अब आप बच्चों व्यंजन म को 5 लाइन्स में लिखने का अभ्यास करिए। अब हम बनाएंगे व्यंजन म के चित्र, तो चलिए बनाते हैं व्यंजन म के चित्र। सबसे पहले हम बनाएंगे म से मटर, तो म से मटर बनाने के लिए ऐसे अब दूसरी तरफ से भी इसको ऐसे जोड़ दीजिए, बीच में एक रेखा बनाइए ऐसे, और इसमें गोल गोले बनाइए म से मटर, म से मटर। अब इसमें ऐसे ऊपर एक बना दीजिए और ऐसे म से मटर। अब हम बनाएंगे म से मछली, तो म से मछली बनाने के लिए पहले एक ऐसे आधा गोला, फिर यहाँ नीचे से भी। अब हम इसे ऐसे आड़ी रेखा, एक और आड़ी रेखा, और इसे आपस में जोड़ दीजिए, एक छोटा सा गोला और ऐसे ये मछली, और इसमें ऐसे आधा गोला, यहाँ भी आधा गोला बनाइए। यह है म से मटर, म से मछली। अब हम बनाते हैं म से माला, तो म से माला बनाने के लिए एक गोला, उसमें एक और गोला जोड़िए और ऐसे गोला जोड़ते जाइए, ऐसे गोले जोड़ते जाइए म से माला, और यह है माला का धागा म से माला। तो यह है म से मटर, म से मछली, म से माला। अब हम बनाते हैं म से मिठाई, तो म से मिठाई बनाने के लिए पहले एक आड़ी रेखा और एक लेटी हुई रेखा और एक और आड़ी रेखा छोटी सी। अब बनाते हैं म से मिठाई, तो एक गोला लीजिए और इसमें ऐसे ऐसे गोले बनाइए म से मिठाई, ऐसे लेटी हुई रेखा, सीधी खड़ी रेखा और फिर से लेटी हुई रेखा। एक और बार हम बनाते हैं खड़ी रेखा, लेटी हुई रेखा और खड़ी हुई रेखा से जोड़ दीजिए म से मिठाई। अब गोला बनाइए, एक और गोला और एक और गोला म से मिठाई, म से मटर, म से मछली, म से माला, म से मिठाई। तो बच्चों आप भी व्यंजन म को लिखने का अभ्यास करिए, व्यंजन म के चित्र बनाइए, इनमें रंग भरिए और मुझे भेज दीजिए। धन्यवाद।